केदारनाथ धाम के आधार शिविर गौरीकुंड के समीप डॉट पुलिया के पास देर रात की हुई भारी बारिश एवं ऊपर से बोल्डर गिरने से दो दुकान व एक टीन सेट बह गया। अभी भी सर्च एवं रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। सभी रेस्क्यू टीमें मौके पर उपस्थित है, जिसमें DDRF, SDRF, NDRF, YMF, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन उखी मौके पर मौजूद है। आपदा प्रबंधन अधिकारी रुद्र प्रयाग ने बताया कि 10 से 12 व्यक्तियों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए सर्च रेस्क्यू जारी है। 11:37 मुझे सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नजदीक डॉट पुलिया के पास तीन दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया, तो रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक मुझे पता नहीं चल पा रहा है, जिसमें कि हमारी टीमें NDRF, SDRF और हमारे DDRF और YMF और पुलिस के जवान लगातार सर्च अभियान अभी भी जारी है।